बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां पर जिला कलेक्टर के कहने पर पैसे लेता था जिला कोटा से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बारा कलेक्टर के घूसखोर पीए महावीर का बड़ा बयान फिलहाल सामने आया है। जिला कलेक्टर के कहने पर ये पैसे लिए जाते थे, बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। जिला कलेक्टर का घूसखोर पीए ने जी मीडिया के कैमरे पर ये कबूल किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कलेक्टर के लिए घूस ली जाती थी, ये बड़ा बयान सामने आया है। कल 1,40,000 की रिश्वत लेते कोटा एसीबी ने गिरफ्तार किया था, और जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती जा रही है तमाम खुलासे इसमें हो रहे हैं। फिलहाल घूसखोर पीए महावीर का बड़ा बयान सामने आया है, जी मीडिया के कैमरे पर यह खुलासा किया है और कहा कि जिला कलेक्टर के कहने पर ये पैसे लिए जाते थे। ऐसा है, जिला कलेक्टर इस मामले में बोलते थे तो इसलिए मुझे नहीं पता। जिला कलेक्टर बोलते थे पैसा इसलिए कब से ले रहे थे? नहीं, कभी कभार ही बोलते थे। ठीक है, कितने समय से? कोई स्पेशल लगे उनको तो उसमें बोलते थे। तो इस मामले में कितना देना था उनको, कितना पैसा देना था उनको? 1,40,000 में से कितना देना था भाई साहब? नहीं सर, वो पूरी देने थे, पूरी उनको देने थे। जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, जैसे जैसे जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे तमाम खुलासे अब हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक जिला कलेक्टर की ओर से कोई बयान इसके बाद सामने आया है, क्योंकि बड़ा आरोप ये लगाया गया है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जी मीडिया के कैमरे पर जो घूसखोर पीए है उसने बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पर ये कहा कि ये जो पैसा रिश्वत का लिया जा रहा था ये जिला कलेक्टर के लिए लिया जा रहा था। ये गंभीर जो आरोप है वो पीए ने लगा दिया है, और जी मीडिया के कैमरे पर वो पूरी की पूरी बाइट भी हमने तमाम दर्शकों के सामने रखी है। आपको बता दें कि कल जब एसीबी ने इस घूसखोर पीए महावीर नागर को गिरफ्तार किया था 1,40,000 की रिश्वत के साथ में, उसके बाद में एसीबी को बयान दिया था कि ये जो रिश्वत की रकम है जिला कलेक्टर को ली थी। इसके बाद ही एसीबी के रडार पर जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव आ गए, और तुरंत इसमें कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने भी तत्परता दिखाई और जो इंद्र सिंह राव है उनको एपीओ किया गया। अब कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो घूसखोर एपीओ पूरी तरह से करोड़पति निकला, और अब जब उसको पीसी के लिए कोटा लाया जा रहा है, कोटा में पूछताछ की जा रही है, तो जी मीडिया ने खास बातचीत की उससे, और इस पूरे मामले में ये जो बड़ा बयान है वो जी मीडिया के कैमरे पर घूसखोर पीए ने दिया है, और कहा है कि ये पैसा वो जिला कलेक्टर के लिए लेता था। और इसी के साथ में आपको बता दें कि ये कहा कि जब जब भी उनके तरफ से आदेश मिलता था, जिस मामले में उनके तरफ से आदेश मिलता था उसी मामले में पैसे लिए जाते थे, एक बात ये भी कही है। और अब कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर अब एसीबी के राडार पर जो है वो इंद्रजीत राव है, और एक अपडेट ये भी कि इंद्रजीत राव जो जिला कलेक्टर का है, सुबह भी हमने ये अपडेट दिया था कि उनका मोबाइल जो है वो एसीबी ने जब्त कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। और इसी के साथ में अब कह सकते हैं कि जो मुसीबतें हैं वो बारा के एपीओ जिला कलेक्टर इंद्रजीत। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, देखिए जिला कलेक्टर की मुश्किलें बढ़ रही है, पीए को पहले ही दबोच लिया गया है, क्या और किसी की भी भूमिका इसमें संलिप्त फिलहाल पाई जा रही है, क्योंकि ये बड़ी चेन भी हो सकती है जिसके आधार पर जांच पड़ताल इस पूरे मामले की अब की जा रही होगी? देखिए, स्पष्ट तौर पर कि एसीबी को भी जो ये घूसखोर पीए है वो बयान दे चुका है, मीडिया के कैमरे पर भी ये बयान दे चुका है कि उच्च अधिकारी, जब हमने सवाल को दोबारा पहले इसने जवाब दिया कि उच्च अधिकारियों के कहने पर, तो हमने सवाल किया कि उच्च अधिकारी कौन, आखिर कौन बताइए, तो सीधे तौर पर उसने जिला कलेक्टर का नाम लिया कि जिला कलेक्टर के कहने पर मैं ये पूरा की पूरा पैसा ले रहा था, ये पूरी जो रकम ली थी 1,40,000 की वो भी कलेक्टर के कहने पर ही ली थी, और इससे पहले भी कई बार उनके जब निर्देश हम मुझे मिले तो उनके कहने पर ये पैसा मैंने लिया है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा बयान है, और बड़े बयान के साथ ही अब ये जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर है, और कह सकते हैं कि अब एपीओ जिला कलेक्टर इंद्रजीत राव की जो मुसीबतें हैं वो इसके साथ में बढ़ती है। हिमांशु, फिलहाल एपीओ किया गया है, क्या और भी कोई कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए कोई जानकारी अभी वहां से क्या सामने आ रही है? देखिए लवीना, आपको बता दें कि एसीबी एएसपी चंद्रशील ठाकुर चंद्रशील इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उनका ये कहना है कि कई जो इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल कुछ तथ्य मिले हैं और उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर भी इंद्रजीत राव का जो है वो नाम रखा गया है, ना उन्हें नामजद किया गया है, साथ में उनके मोबाइल को जब्त किया गया है। अब मोबाइल को बताया जा रहा है कि एफएसएल को भेजा जाएगा ताकि उसके अंदर पहले क्या डाटा था,
किस तरह के कन्वर्सेशन किन किन लोगों के साथ में हुए हैं, इस बात पर पड़ताल की जाएगी। और कह सकते हैं कि अब एसी भी पूरी तरह से इस मामले, हिमांशु अभी तो ये खुलासा हुआ है 1,40,000 की जो रिश्वत है उसके आधार पर अभी जो घूस की कार्रवाई है वो की गई है, इसे ट्रैप किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो पहले के मामलों को भी क्या खंगाला जाएगा कि ऐसे कोई मामले जिनका अभी तक खुलासा ही नहीं हो पाया, उन मामलों के खुलासे की भी अभी उम्मीद है हिमांशु? देखिए बहुत अहम सवाल है लवीना ये कि ये पहला जो कह सकते हैं कि एसीबी के अधिकारियों का भी इस पड़ताल जो है वो इसी बात पर चल रही है कि ये पहला मामला नहीं था इस तरह का। घूसखोरी का जो सिस्टम है वो कोटा के 12 के जो जिला कलेक्ट्रेट है उसके अंदर पनप चुका था, और जो ये रिश्वत खोर थी जो एसीबी के चंगुल में आया है ये इस तरह से रिश्वत लिया करता था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि एसीबी की जांच में, एसीबी की पूछताछ में उसने सीधे तौर पर जिला कलेक्टर का नाम लिया है, सी मीडिया के कैमरे पर उसने जिला कलेक्टर का नाम लिया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब जो एपीओ कलेक्टर है उनकी जो भूमिका है वो और ज्यादा संदेह के घेरे में आ गई है। आप कह सकते हैं कि एसीबी अब लगातार जो पूछताछ है वो पीए से कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर और धीरे धीरे खुलासे इसमें तमाम होते जा रहे हैं। कोई अपडेट मामले को लेकर होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।